और आइए बुलेटिन की अब शुरुआत करते हैं अच्छी खबरों से। इकोनॉमी को डबल बूस्टर मिला है। एक तरफ खुदरा महंगाई घटी है तो दूसरी ओर औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है। पहले बात रिटेल महंगाई की करते हैं, जो जून में 7.04% से घटकर 7.01% पर पहुंच गई है। महंगाई के आंकड़ों की डिटेल्स लेते हैं हमारे सहयोगी संवाददाता अनुराग शाह से। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे रिटेल महंगाई में कुछ कमी आई है, सारे आंकड़े क्या कहते हैं, कहां सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई है? देखिए, जून के सीपीआई महंगाई आंकड़ों में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। जो जून का सीपीआई डेटा आया है महंगाई का, वहाँ पर महंगाई दर जो है 7.04% से घटकर 7.01% दर्ज की गई है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। और ये जो आरबीआई का टारगेट था पहली तिमाही का, यानी अप्रैल से लेकर जून का, उसका जो औसत है वो उससे 20 बेसिस पॉइंट कम है। आरबीआई का लक्ष्य 7.5% तक के महंगाई का था, लेकिन जो औसत अब हो रहा है वो 7.3% हो रहा है। इसके अलावा अगर हम खाद्य महंगाई की बात करें तो वो 7.97% से घटकर 7.75% दर्ज की गई है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। शहरी महंगाई है, उसमें भी कटौती हुई है 7.08% से घटकर वो 6.92% दर्ज की गई है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। कपड़े जूते चप्पल की जो महंगाई दर है वो उसमें बढ़ोतरी हुई है 8.85% से बढ़कर 9.52% दर्ज की गई है। इसके अलावा जो आज आईआईपी के आंकड़े आए हैं, वहां पर भी आईआईपी का जो डेटा है, मई का आईआईपी डेटा, वो 7.1% से बढ़कर 19.6%, काफ़ी बड़ा जंप दिखा है आईपी के आंकड़े में। और इसमें मैन्युफैक्चरिंग जो ग्रोथ है उसमें कटौती दिखी है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है वो 32.1% से घटकर 17.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखी गई है। कंज्यूमर ड्यूरेबल की ग्रोथ है, वहां पर भी गिरावट हुई है। इसके अलावा माइनिंग ग्रोथ है, उसमें भी कटौती हुई है 23% से घटकर 10% तक आई है। तो ये जो महंगाई के आंकड़े आए हैं, इसका इतना ज़्यादा असर नहीं होगा जो आरबीआई की अगस्त की पॉलिसी है, क्योंकि हमने देखा है कि आरबीआई ने जो लक्ष्य दिया था उसको लगातार महंगाई दर है उसको ब्रीच करती जा रही है। और अब देखना होगा कि इस आंकड़ों के बाद जो अगस्त की पॉलिसी में उसमें किस तरह के बदलाव होते हैं।